इवेल्युएट साइन 7π/4, साइन 7π/4 को इवेल्युएट करना है। पहली चीज कि हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे 7π/4 को, तो देखो ये कैसे ब्रेक हो, इसको 7π/4 को क्या हम लिख सकते हैं 2π-π/4, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 × 2 = 8, 8π-π = 7π/4 आ गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आपने ये कैसे लिख दिया, ठीक है, कैसे किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक करेगा कि हमको क्या लिखना है, 2π-4 लिखना है या फिर π/2 के फॉर्म में लिखना है या 3π/2। तो देखो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप कैसे इस यहां तक पहुंचेंगे। पहली चीज आप कोशिश कीजिएगा, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको आप π + θ, π - θ या nπ + θ, nπ - θ के फॉर्म में ब्रेक करना सबसे आसान होता है। आप इसको π/2 + θ या nπ/2 + θ - θ के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि प्लस π - θ, π + θ के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब ये अगर साइन है तो इसका आंसर साइन ही होगा, ये तो क्लियर है। अब रही बात 2π - θ, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है कि 2π ये 0, ये 2π की लाइन, 2π - θ मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि साइन नेगेटिव होता है इसलिए ये -sin π/4 होगा। ठीक है, तो π + θ, π - θ के फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पहली चीज की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 2π - θ हो + θ हो ये आएगा sin θ ही। अब रही बात प्लस और माइनस की, तो वो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिकोड कर लेंगे। तो चूंकि ये 2π - θ फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए ये -π/4 होगा। दूसरी चीज, अब मैंने जो ये ब्रेक किया ये मैंने कैसे किया ये आपको सीखना है। तो देखो यहां पे 7π + 4 है, आपको पता है पाई की वैल्यू डिग्री में 180 होती है, राइट, कोई डाउट नहीं है ना, इसको कैंसिल कर दो, 7 × 45 = 315 डिग्री हो गया। अब देखो 315 डिग्री को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ना 360 - 45, तो देखो मैंने वही किया है, 360 को रेडियन में 2π किया और इसको रेडियन में π/4 किया, यही चीज किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसको आप डायरेक्टली वो करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इतना लिख लेंगे। अब देखो -sin π/4, तो sin π/4 1/√2 होता है, तो ये हो गया आपका 1/√2, मतलब sin 7π/4 = -1/√2 होगा। ठीक है, समझ गए, इस क्वेश्चन को आप π/2 + θ - θ के फॉर्म पे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही बना सकते हैं, जैसे यहां देखिए, यहां समझिए 315 डिग्री है, तो अगर मैं इसको, हाँ ठीक तो था, 360 - 45, ठीक है, तो अगर 90 के फॉर्म में करना है तो यहां देखिए इसको आप 270 + 45 कर सकते थे, 270 का मतलब क्या हुआ, 3 × 90 + 45 = 390 के लिए π/2, तो ये 3π/2 + π/4 आप इस पर भी बना सकते थे। यहां देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बना के दिखा देता हूं, sin 7π/4 को आप लिख सकते हैं sin 3π/2 + π/4। ठीक है, अब देखिए 3π + θ, मैं आपको सारे फॉर्मूले पढ़ा चुका हूं, इस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाता है, ये cos होगा, cos π/4 होगा, और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए ये नेगेटिव होगा, देयरफॉर इट इज आल्सो -1/√2।
बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्रेफर कीजिएगा पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा का फॉर्म, चूंकि वहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ आपको क्वाड्रेंट ध्यान देना रहता है, तो आपके लिए ये मेथड यूज करना सबसे आसान है। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया कि 7π + 4 7π/4 को मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो आप इस मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली यहां समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा cos 7π/6। तो देखो cos 7π/6 बेसिकली ये होगा कितना, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम इसको क्या इतना लिख सकते हैं, π + π/6। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 7π/6 आएगा। ठीक है, तो cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, यहां देखिए पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो cos पाई प्लस थीटा cos थीटा होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये आपका आंसर नेगेटिव होगा। इट इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई सिक्स विच इज 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका √3/2। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता चलता है तो यहां देखो 7π/6 इज इक्वल टू 7 × π को 180 से रिप्लेस कर दो अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया 30 डिग्री विच इज 210 डिग्री। अब देखो 210 डिग्री आ गया, तो ये आप लिख सकते हो ना 180 + 30। ठीक है, विच इज पाई प्लस 30 के लिए क्या लिखेंगे, π/6। यही चीजें यहां उठा के मैंने डाला है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cos −8π/3। तो यहां एक चीज देखिए, पहली चीज हमने पढ़ा है कि cos − θ cos θ होता है, तो ये हो जाएगा cos 8π/3। ठीक है, क्यों, तो यहां पर आइडेंटिटी लिख दीजिएगा कि हमने पढ़ा है कि cos − θ विच इज इक्वल टू cos θ होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज किया। अब देखिए 8π/3 को हमें ब्रेक करना है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 3π − π/3। देखो 3 × 3 = 9 9π − π 8π/3 हो गया। अब यहां पे देखिए, फिर यहां पे ध्यान दीजिएगा 0π/2 π 3π/2। ठीक है, ये 2π, फिर ये 3π, इधर ऑड मल्टीपल होता है। ठीक है ना, इधर सारे ऑड मल्टीपल होते हैं, मतलब हमारा फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होगा 3π − θ। पहली चीज तो 3π मतलब पाई के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, π − π/3 के अकॉर्डिंग। मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, इसलिए ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि ऑड मल्टीपल का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले π − 3 π + θ π − θ के अकॉर्डिंग होंगे, जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे 3π 7π 5π 11π 17π, वो सारे π − और या प्लस के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करेंगे। तो देखिए cos π − θ कितना होता है, cos θ होता है, और चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस होगा। ये सारे फॉर्मूले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो ये माइनस cos π/3 आ गया, तो ये हो गया माइनस, और cos π/3 मतलब cos 60° की वैल्यू 1/2 होती है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, cos − 8π/3 का ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप यहां पे 180 डालिए, यहां देखिए 8π/3 है, 8 × 180/3, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 480। ठीक है, तो 480 अगर आपका ये हो गया, तो इसको आप कर सकते हैं ना 540 − 60 कर सकते थे, तो ये हो गया आपका
540 मतलब 3 इंटू 180 3 पाई, और माइनस 60 का मतलब पाई बाई 3। देखो यही मैंने यूज किया है। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, 90 से भी बना सकते हैं, मतलब पाई बाई 2 पे भी बना सकते हैं, 3 पाई बाई 2 पे भी बना सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप प्रेफर कीजिएगा कि फॉर्मूले पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा पे हो, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला आपका ज्यादा आसान होता है, आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले कैसे आए हैं ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे मैंने फॉर्मूले बताए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। माइनस 1/2 नोट कीजिए। फोर्थ पार्ट देखिए, साइन माइनस 25 पाई बाई 4। ठीक है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है फोर्थ क्वाड्रेंट का, साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, यही आइडेंटिटी पहले हम यहां पे यूज करेंगे। तो देखो ये साइन माइनस पाई थीटा की जगह पे 25 पाई बाई 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 25 पाई बाई 4। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन 4 6 24 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाई 4। लिख सकते हैं 6 4 24, 24 प्लस 1 25 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम आइए देखते हैं 6 पाई, यहां देखिए इवन मल्टीपल यहां होता है, मैंने आपको बता रखा है सारे इवन मल्टीपल यहां होता है। ठीक है ना, तो यहां देखिए ये हो गया आपका माइनस 6 पाई है, 6 पाई को हम 2 पाई के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पर इस चीज की ये इवन मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल की बात छोड़िए, पाई का मल्टीपल है, तो साइन पाई प्लस थीटा ये डेफिनेटली साइन थीटा ही होगा। ठीक है, अब बात आती है साइन की, तो चूंकि ये इवन मल्टीपल है तो 2 पाई के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे, इवन मल्टीपल यहां है तो पाई 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होता है इसलिए सारे ये पॉजिटिव ही होंगे, तो आपका आंसर होगा माइनस साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो क्वाड्रेंट फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप डेफिनेटली देख लेंगे, उससे आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए।